भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित अकरहर घाट स्थित धौस नदी में शराब के नशे में पैर फिसलने के कारण एक अज्ञात युवक के डूबने का मामला सामने आया है। जानकारी मिलते ही सहरघाट थाना के एएसआई अनिल सिंह एवं एएसआई नवीन कुमार दलवल के साथ पहुंचे, जहां काफी मशक्कत के बाद भी नदी के पानी में डूबे अज्ञात युवक के शव की तलाश नहीं की जा सकी। शाम ढलते ही अंधेरा होने पर पुलिस लावारिस बाइक को जब्त कर थाने ले आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नदी में चल रहे नाव पर दो युवक बाइक को भारत में ही विद्यालय के पास लगाकर नेपाल चला गया, फिर शराब पीकर नेपाल से नाव पर सवार होकर नदी पार कर भारत आया, जहां पैर फिसलने के कारण एक युवक नदी के गहरे पानी में डूब गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा गोता लगाकर डूबे युवक की काफी खोजबीन की गई, लेकिन युवक का कहीं कोई पता नहीं चला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन डूबे युवक के साथ एक अन्य युवक बाइक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने नदी किनारे से लावारिस बाइक को जब्त कर थाने ले आई। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि घटना की जानकारी वरीय अधिकारी को दे दी गई है, सब की खोजबीन जारी है, जल्द ही लाश बरामद कर डूबे युवक की पहचान कर ली जाएगी। आदमी सब छोली वहाँ बहुत गोरा मेला लागल, तब हम सब लिए ताले में रह लिए, वो भाई गेल कता भाई गेल साथी रहले ने चल गेल छोली डूब गेल ये घूम गेल ये फिर दोसर गोरा पत्थर का मोटका रहले एगो के छिछियाई के चल गेल। अच्छा मतलब दो आदमी छले? हां दो आदमी मोटरसाइकिल आके ओई पार गेल छले। हां ओई पार से रहले तो पीछे के गिर गेले, पता नहीं चले कता के छले। नहीं नहीं कहल की, नहीं कहल की, सब भाग गेले। जर छे उछर के भाग गेले। मोटरसाइकिल चलेल के नहीं चलली ओकरा बुते कि नहीं हाँ। तो गोरे गोरे चल गेले, कौन ही छले चल गेले। अभी नहीं मिली लाश? पुलिस आल छलिए? नहीं नहीं आल छलिए। अभी आलिए पुलिस? हाँ। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।